बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन्नबी की आपको मुबारक हो। तो आज जुलूस में भी शामिल होना है, हमारे गांव में जुलूस निकलता है, तो हम जुलूस में शामिल होने के लिए चलते हैं। आए चलें। ये जमाना भी हुजूर का है, क्योंकि हर जमाना मेरे हुजूर का है। तो ये जमाना हो या पहले वाला जमाना हो या बाद वाला जमाना हो, हर जमाना मेरे हुजूर का है। तो हम आज भी ना मनाए, कल मनाए, परसों मनाए या दो दिन का मनाए, हम सबके लिए करते हैं और हमारा हक भी बनता है कि हम खूब ध्यान से प्यार मोहब्बत के साथ जोशो खरोश के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाएं। और खुशियाँ क्यों ना मनाएं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान मजीद में इसका हुक्म दिया है, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाकर कुरान पाक की आयत करीमा पर अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये तौफीक देता है, कायनात तौफीक अता फरमाए, वही अल्लाह के महबूब की नस्ल को सजाता है, इसमें फरिश्ते में शिरकत करता है। जिसको अल्लाह के महबूब की इजाज़त ना हो, अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो, जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त ना मिले, सरकार की निगाह की आयत ना हो, वो बंदा ना तो कभी सरकार की महफिल सजा सकता है और ना ही उसमें जा सकता है। उनका मतदान
आज मुस्तफा दे नाल होंगे हामी साडे आमीना दे लाल होंगे जन्नतां च जाएगी सवारी आप दीन जन्नतां च जाएगी सवारी आप दीन अगे अगे हजरते बिलाल होंगे अगे अगे हजरते बिलाल होंगे आमी साडे आमीना दे लाल होंगे और सानून बख्शवान लईन खुदा देल सामने सानून बख्शवान लईन खुदा देल सामने सैयदां दे सोने। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करनी है जो मैं डेली करता हूँ कि आपने ज़ीशान ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, दोस्तों से भी कहना है कि वो वीडियो को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप तामन करेंगे।